Ethics, according to us, what does it mean? Ethics means like behaving in a proper way. But when it comes to business organization, it is like ki hume kis tarike se business organization mein behave karna hai. Generally, hum morally, ethically behave karte hain in our normal lives, but hume jab organization ki baat aati hai, to ethics a little bit change jaate hain. Hume unke accordingly apne aap ko manage karna padta hai, company ki policies ko follow karna padta hai. Theek? Aur agar hum basic ethical term ki baat karenge, to basically ethics kya hota hai? It is like ki moral principle hai, jo ek person ke behavior ko govern karte hai. To mere moral principles hain jo ethically hamare behavior ko govern karte hain, ya jo hum activity karte hain. Ek hamari insight hoti hai jisse hum identify kar pate hain ki hum kis tarike se behave kar rahe hain, ya hamara behavior right hai bhi ki nahi. To wo hamare ethics hai. जब हमें बता पाते हैं कि हम एथिकली या हम कोई भी बिहेवियर जो हमारी इनसाइट है हमें बताती है कि हम करेक्ट हैं, हम राइट हैं, रॉन्ग हैं, दैट इज एथिक्स. पर जनरली क्या होता है, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे एथिक्स अ लिटिल बिट, मैंने जैसे पहले भी बोला कि चेंज जाते हैं. सिमिलरली चेंजेस इस टाइप के होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हम बिहेवियर ठीक कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एथिक्स राइट नहीं होते या वो बिहेवियर राइट नहीं होता, तो उसको एथिकली रॉन्ग बोलते हैं, मॉरली रॉन्ग बोलते हैं. आपकी इनसाइट से आपको लगेगा कि आप सही बिहेव कर रहे हो, लेकिन जब बिजनेस में वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती तो वो अनएथिकल कहलाती है. राइट नाउ हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज एथिक्स. ठीक है, एथिक्स में हमने बात करनी है मॉरल वैल्यूज की, कि कहां मुझे लगता है कि मैं सही हूँ या मेरा बिहेवियर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं. उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एथिक्स हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इंटेग्रिटी है, वैल्यू है, ऑनर है, चॉइस है. तो इन सब चीजों के लिए वैल्यू का मतलब है कि आप किन सब चीजों को वैल्यू देते हो. मॉरल वैल्यूज हम यहाँ काउंट करते हैं. मॉरल वैल्यूज का मतलब ये है कि जनरली हम किसी को भी बैकग्राउंड को ब्लेम नहीं करते हैं, बट लेकिन हम मॉरल वैल्यूज जो हम अर्न करते हैं या जो हमें समझ आती हैं चीजें, वो हम अपने बैकग्राउंड से या फिर मॉरल बैकग्राउंड या हमारे फैमिली बैकग्राउंड से हम लर्न कर पाते हैं या हम सीख पाते हैं. उन वैल्यूज को हम यहाँ कंसीडर करते हैं. लाइक हम जनरली आजकल जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात चलती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये हमें फैमिली से सिखाया जाता है कि हमें वुमेन की या हमें कैसे बिहेव करना है. ये सारी चीजें हम डिपेंड करती हैं उस कंडीशन पे. तो ये सारी वैल्यूज हैं जो हम अपनी फैमिली से ही सीख पाते हैं. उसके बाद ऑनर, चॉइस, ये सारी चीजें भी हमारी एथिक्स में आती हैं. ऑनर का मतलब ये है कि मेरा मान सम्मान, कहाँ मुझे लगता है कि मेरा सम्मान हो रहा है या मेरी रिस्पेक्ट की बात आ रही है. तो उन सब चीजों को कई बार हम सुनते हैं, हम ऑनर किलिंग की केसेस. ऑनर किलिंग का मतलब ये है कि जब हमें लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है, लाइक हम अफेयर्स के बारे में सुनते हैं या इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में सुनते हैं या लोग अब घर से घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपने कई बार मूवीज में या किन्हीं प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि ऑनर किलिंग होती है, लोग उन्हें मरवा देते हैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए. तो दैट इज ऑनर. पर वो मॉरली राइट नहीं है, आप किसी को भी मारने का हक नहीं रखते हो. दैट इज ऑल्सो एथिक्स. जब आपकी रिस्पेक्ट की बात होती है तो आप कैसे बिहेव करते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए एथिकली राइट चीजें करते हो या एथिकली रॉन्ग चीजें करते हो. उन एथिक्स में हम जब रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम राइट चीजों की बात करते हैं, हम एथिकली रॉन्ग चीजों की बात कभी भी नहीं करते, वो गलत है. नेक्स्ट हमारे पास आता है चॉइस. चॉइस में हमारे पास क्या है कि मेरे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, है ना. मॉरली राइट नहीं होते ऑप्शंस, तो उस टाइम पे देन उसके बाद हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी सेम, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ों की, अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ एथिकली कम्बाइन होती है. अगर मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल करवाती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको उस टाइम पे ये चीज चेक करनी है कि आप जो डिसीजन मेरी पोजीशन पर बैठ के ले रहे हो वो आप करेक्ट कर भी रहे हो कि नहीं.
उस होता है कि हमें चीजों को चेक करना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको दी है, हमने बहुत सारी इन सब चीजों के बारे में बात की है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है. अकाउंटेबिलिटी इज लाइक मैंने मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी जगह पर बिठाया है. लाइक अगर मैं एक दिन के लिए प्रेजेंट हूँ या एक दिन के लिए एबसेंट हूँ, तो उस टाइम पे मैंने एक जने को अपनी जगह पर अथॉरिटी दे दी कि आप यहाँ बैठो और आप मेरे लिए डिसीजंस ले सकते हो. ठीक है, उस टाइम पे हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आप जो भी डिसीजंस लोगे मेरी पोजीशन पर बैठ के, तो आप ही उनके लिए अकाउंटेबल होगी, आप ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने डिसीजंस कैसे लिए, मैंने किसी बंदे को फेवर करा जो मुझे पर्सनली पसंद है, तो वहां पर मैं एथिकली रॉन्ग हूँ. तो यहाँ जब एथिक्स की बात रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सेम कि मैं किस चीज को अप्लाई करती हूँ या किस चीज को पसंद करती हूँ या किस चीज पे जाके मैं अपनी डिसीजंस को चेंज कर सकती हूँ. अगर मेरे को कोई प्रेफरेंस किसी को देनी है, या कोई मेरा रिलेटिव है, या कोई मेरा ऑलरेडी पहले से ही जान पहचान वाला है, या मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उसे कोई प्रेफरेंस दी है इन केस, तो वहां पर मैं एथिकली रॉन्ग हो जाती हूँ. देन उसके बाद सेम हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, मॉरल की या राइट्स की. सेम यहाँ पर भी हम एथिक्स ही अप्लाई करते हैं कि अगर हम किसी के राइट की बात करते हैं, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे राइट्स हैं कि हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले. राइट्स हमको क्यों मिले, क्योंकि हम इक्वल हैं, है ना. लेकिन यहाँ पर फिर भी हम आके जब हम अपने गांव में और बैकवर्ड एरियाज की बात करते हैं, जहाँ आज भी पंचायत चलती You है, are currently the वहाँ only पर person in this conference. वहाँ पंचों की वजह से, सिर्फ सिर्फ पंचों की वजह से ही डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ इसीलिए आया क्योंकि हमें नीड थी उसकी. हम बायस्ड होके या पार्शियल होके डिसीजंस नहीं ले सकते, इसके लिए हम लॉ अप्लाई करते हैं. क्योंकि लॉ अप्लाई करने से हमें क्या होगा कि वो सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट रहता है. जिसने जो पन भी कमिट करा है प्रॉब्लम, या जो भी मिस्टेक कमिट करी है, उसके लिए हम उसे क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, वो सारे सबके लिए सेम होगा. उसमें आप कभी पार्शल नहीं हो सकते, वो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब लोग बराबर है. लाइक अगर हम बैकवर्ड रीजन्स की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, पंच जो होते हैं, जो पंचायत चलाते हैं, जो लोग पांच जने जो होते हैं जिनकी वजह से पंचायत फॉर्म होती है, वो उनका क्या है, वो एक अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सोच के और फिर डिसीजन लेते हैं. तो वो बायस्ड हो सकते हैं या पार्शियल हो सकते हैं, बिकॉज उन्हें जहाँ लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसे इंसान को हम टॉर्चर कर सकते हैं या इस इंसान को पर्टिकुलरली हम ऐसे काम करवा सकते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं. या होता है कि कई बार उनको लगता है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, या मैं हमारी पहले की कोई दुश्मनी चली आ रही है इनसे, तो मैं किसी भी तरीके से बदला लेने की कोशिश भी करूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में वो सारी चीजें रहेंगी. लेकिन जब लॉ की बात आती है, लॉ आपके कुछ नहीं जानता. लॉ सिर्फ आपके प्रूफ मांगता है कि ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, और उसके बेसिस पे ही आपको हमने क्या कहते हैं पनिशमेंट देना है, या जो भी अप्रूवल देना है, कुछ भी चीजें उसके बेसिस पे डिसाइड होती है. सिमिलर वे में हम बात करते हैं राइट की, मॉरल वैल्यूज की, फेयरनेस की. जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो सेम चीज है, हम मॉरल वैल्यूज यानी कि और हमारी फेयरनेस की बात करते हैं कि हम कहीं भी पार्शियल नहीं होंगे, एंड कहीं भी हम किसी भी चीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, कहीं भी हम पे प्रेफरेंस शो नहीं करेंगे कि कोई पर्टिकुलर इंसान हमें पसंद है तो हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं. हम डिपेंड करेगा कि हमें कैसे काम करना है, फेयरली वर्क करना है और एथिकली काम करना है, सारी चीजें मॉरल वैल्यूज कंसीडर करना है, या जो हम अपनी फैमिली से सीख के आते हैं, सिम इतनी सारी चीजें जो हमें लगता है कि एथिकली या हमारी इंसाइट कहती है कि हम राइट है या करेक्ट है, हमें उसके बेसिस पे ही एथिक्स भी परफॉर्म करने पड़ते हैं. बट सेम एज इट इज, मैंने पहले भी बोला कि बिजनेस में जाके ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं. मुझे यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ता है कि सिर्फ मेरी इनसाइट ही नहीं, मेरे बाहर के लोगों को You भी are मेरा currently the only बिहेवियर person in this conference. राइट है. उसके बाद एथिक्स को हम जनरली एक फिलोसफी के ब्रांच भी बोलते हैं, क्योंकि एथिक्स क्या है, हम मेंटल अपने लेवल को स्टडी करते हैं, सिमिलर वे में हम दूसरों के मेंटल लेवल को स्टडी करते हैं. दैट इज, हम इसको फिलोसफी का भी नाम दे सकते हैं. ठीक है, दैट इज, हम इसको एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी भी कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि हम लोगों को सिस्टमेटाइज करने के लिए, लोगों को डिफेंड
स्पेंड करने के लिए सारी चीजें कंसीडर करते हैं, या हम उनको रिकमेंड करते हैं कि नए नए कॉन्सेप्ट आप ऐसे स्टडी कर सकते हो. आपको चेंज कर सकते हैं इसको स्टडी करके. इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एथिक्स कवर्स द फॉलोइंग डिलेमास. एथिक्स हमें हेल्प करता है कि हमारी लाइफ में अगर डिलेमा, यानी कि अगर हमें लगता है कि हम कभी भी डगमगा रहे हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम है, केस में एथिक्स कंसीडर कर सकते हैं तो हमें हेल्प मिलेगी. लाइक हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, अगर मुझे अच्छी लाइफ जीनी है तो मुझे किसको कंसीडर करना चाहिए. मुझे एथिक्स, ऑब्वियसली एथिक्स मुझे हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने में, मुझे हेल्प करते हैं मॉरल वैल्यूज को समझने, अपनी वैल्यूज को समझने. मुझे लगता है कि किसी तरीके से किसी को परेशान ना करूँ. जब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करूँगी, खुद खुश रहेगी, मेरे आसपास की सराउंडिंग्स भी खुश रहेंगी. इसके तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को खुद अच्छा कैसे जिए. नेक्स्ट हमारे पास है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेम जैसे मैंने भी समझाया कि हमारे पास सबके पास अपने अपने राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि हम उनको अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे अच्छे कामों में यूज कर सकते हैं. देन उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग. सेम लैंग्वेज की बात हम करते हैं बिकॉज हमारी लैंग्वेज ही फर्स्ट इम्प्रेशन होती है हमारा. हम किस तरीके की भाषा बोलते हैं, किस तरीके के टोन में बात करते हैं, किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं बाकी के लोगों को. हमारी बात करने का तरीका अगर अच्छा है तो हम एक अच्छा इम्प्रेशन लोगों पर बना सकते हैं. मॉरल डिसीजन क्या गुड है और काफी चीजें हमारे अंदर भी डेवलप होती हैं. तो इट डिपेंड्स किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं. एथिक्स के आने के बाद हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं या क्या चेंजेस देख सकते हैं. आज के लिए इतना ही सेशन. सेशन कल कंटिन्यू करेंगे.